आज हम यहाँ सूबाई इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं और जो शरीफुल्ला साहब सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है और कई उमूर पर हमने उनके सामने अपनी गुजारिशात और मुतालबात रखे हैं। यकीन दहानी उन्होंने करवाई है कि इलेक्शन शफाफ होंगे और मेरिट की बुनियाद पर होंगे और हमने इस बात की निशानदेही की है चारों सूबों से जो गवर्नर्स हैं उनको बरतरफ होना चाहिए ताकि पहला स्टेप इलेक्शन कमीशन का ये नज़र आए कि वो शफाफ इंतखाब कराने जा रहे हैं। इसलिए आरओज़ का तकर्रुर भी और उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग अफसरों की तकर्रुरी उनकी मॉनिटरिंग और उस दिन जब कानून में ये बात अब आ गई है कि जो इलेक्शन होगा इलेक्शन के बाद जो नतीजा बनेगा उस नतीजे को व्हाट्सअप किया जाएगा और उस नतीजे पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत अंगूठे शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखे जाएंगे ताकि बाद में कोई हुकूमती जोर देकर प्रिजाइडिंग अफसर से नतीजा तब्दील ना करवा सके और दूसरा फॉर्म जारी ना करवा सके। तो ये चीज़ अगर इलेक्शन कमीशन ये दावा करता है कि वो शफाफ इंतखाब कराएगा तो इन तमाम मेजर्स को लेना होगा और हम तवक्को रखते हैं कि ज़ाहिर है कि जो पुराने सूबाई इलेक्शन कमीशन उनके चीफ थे हमने ऑन रिकॉर्ड उनके हवाले से बहुत वाज़े तौर पर चीज़ें बताई थी कि वो पार्टी वर्कर के तौर पर यहाँ काम करते रहे जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई तबाह हुई। हम ये तवक्को रखते हैं मौजूदा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से और बहुत अच्छे तरीके से हमने उन्होंने भी और हमने भी बात की है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि कोई भी गलत काम वो नहीं होने देंगे और हम जिस चीज़ की भी निशानदेही करेंगे अगर वो ठीक होगी तो उस पर वो एक्शन लेंगे। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि आज उन्होंने जो बात की है उसी के मुताबिक मामलात आगे बढ़ेंगे। मामलात आगे बढ़ेंगे तो जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत वाज़े है, हम कोई अनड्यू फेवर नहीं चाहते, हम कोई ऐसा फेवर नहीं चाहते कि जिसमें हमें चाहें कि हम नहीं हों और हमें ले आया जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते और कराची के आवाम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ज़बरदस्ती किसी को मुसल्लत करने में सहूलतकारी करें। अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप को ठीक करेगा रेक्टिफाई करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करेगा, वरना जो कलंक का टीका लग गया है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन सूबा सिंध पर बल्दियाती इलेक्शन में उसको मिटाने में भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।